प्रसिद्ध वीर बाबा क्योली जी महाराज छिंज मेले का आज आगाज हो गया, जिसमें दूर दूर से नामी पहलवानों ने भाग लिया। छिंज कमेटी के प्रधान राजेश भल्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि गगंत में सिद्ध वीर बाबा क्योली जी महाराज के प्रांगण में कुश्ती का जो दंगल शुरू हो रहा है, बाबा की कृपा से हर वर्ष दंगल एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। इस बार पहली बार हिमाचल में लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भारत वर्ष का नारा दिया है, उसके तहत यहाँ छिंज शुरू होगी। इस छिंज में पहले बच्चों की कुश्ती होगी, बाद में लड़कियों का दंगल होगा। दंगल में दिल्ली हरियाणा से निक्की पहलवान, जो पहले कॉमनवेल्थ खेल चुकी हैं और सिल्वर मेडल ला चुकी हैं, भी भाग ले रही हैं। यहाँ लगभग 85 बच्चे कुश्ती के लिए आए हुए हैं। ये दंगल 3 दिन चलेगा, जिसमें भारत वर्ष के नामी पहलवान हिस्सा लेंगे। इस दंगल में पहला इनाम ट्रैक्टर है, जो 2 पहलवानों के बीच बांटा जाएगा। दूसरा इनाम अल्टो कार है। तीसरा इनाम मोटरसाइकिल है। गगंत जो बर्तन वाले शहर के नाम से मशहूर है, लोगों ने मंदिर में आकर अपनी मन्नतें मांगी होती हैं तो लोग बड़ी बड़ी बल्टोइयां, गागरे, बाल्टियां, पंखे आदि देते हैं। इस बार इस समय 80 बल्टोइयां मौजूद हैं तथा 700 पीतल की गागरे हैं, जो दंगल में इनाम में दी जाएंगी। आज हमारे गंगा शहर में बाबा सिद्ध वीर बाबा क्योली जी महाराज के प्रांगण में कुश्ती का जो दंगल शुरू हो रहा है, बाबा जी की कृपा से हर वर्षों की तरह जब दंगल एक कदम आगे बढ़ता जाता है, इस बार बाबा जी की कृपा से, बाबा जी की आज्ञा से पहली बार हिमाचल में जो है वो लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ लड़की को आगे बढ़ाओ जो हमारे हिंदुस्तान का नारा है, उसके तहत जहां पर हमारी कमेटी ने फैसला किया कि इससे छिंज शुरू होगी हमारी दंगल, इसमें कुश्तियों का दंगल करवाया जाए। इसमें सारे कमेटी वालों ने, गांव वालों ने इकट्ठे होकर फैसला किया कि जो कुश्ती होगी पहले बच्चों की होगी, उसके बाद लड़कियों का दंगल होगा। जहां पर दिल्ली से, हरियाणा से जो हमारी पहलवान निक्की पहलवान जी है कॉमनवेल्थ गेम की, और आपने सिल्वर मेडल लिया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से वो आए हुए हैं, एक है नीलम तोमर जी आए हुए हैं, हिमाचल के जो हमारे खाड़ा हैं बिलासपुर साइड से, गुरदासपुर से, पंजाब से, हरियाणा से, वो सभी पहलवान लगभग 80-85 बच्चे आए हुए हैं, उनका जहाँ पर लड़कियों का दंगल होगा, उसके साथ साथ जो परंपरा है हमारी लड़कों वाली वो भी दंगल हमारा साथ साथ चलेगा। 1 या 2 घंटे पहले लड़कों का दंगल होगा, उसके बाद लड़कियों का दंगल होगा, और लास्ट में उनका फैसला हो जाने के बाद लड़कों का दंगल होगा। जो परंपरा है उसी के हिसाब से चलता रहेगा। इसमें हमारे मंदिर में जो बाबा जी के महंत हैं श्री नंद शर्मा जी, इनका बहुत सहयोग है हमारे लिए, जब भी कोई काम होता है इनकी आज्ञा के बिना शुरू नहीं होता। ये तन मन धन से कमेटी वालों का सदा साथ रहते हैं, टाइम टाइम पर उनका जो आज्ञा होती है बाबा जी की तरफ से वो उनको देते हैं, और उसी के तहत कमेटी वाले, शहर वाले वही काम करते हैं। आज जो मेले का उद्घाटन है वो बाबा जी के जो महंत हैं अनंत शर्मा जी, इनके हाथों के द्वारा शुरू किया जाएगा। ये रिबन काटेंगे और इनके साथ जो हमारे बीजेपी के नेत्री हैं रीता दीवान जी वो भी साथ आए हुए हैं। आज से ये दंगल शुरू होगा, कल और परसों 3 दिन हमारा दंगल चलेगा। 5 तारीख को हमारा जो दंगल है वो संपन्न होगा, जिसमें विदेशी हिंदुस्तान के नामी जो पहलवान हैं वो आए हुए हैं। पहली जो झंडी है वो ट्रैक्टर है, जो 2 पहलवानों के बीच में बांटी जाएगी। 60-40 की रेसेस है, जो पहलवान जीतेगा उसको जो हमारे पास प्राइज होगा, अमाउंट होगा ट्रैक्टर का, वो 60-40 की रेशियो से बांट दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर अल्टो कार है, वो भी इसी रेशियो से होगी। तीसरे नंबर पर मोटरसाइकिल है, उसके साथ जो दूसरी हारने वाले को पैसे लगा दिए जाएंगे। 5वें नंबर वाले जो चौथे नंबर, उसके बाद मोटरसाइकिल या स्कूटरी होगी। उसके बाद हमारे पास कम से कम जो हमारे गंगा शहर जो बांडे वाले शहर के नाम से मशहूर है, बड़ी बड़ी देग बनती हैं, वो देगे हमसे हमारे पास लोगों ने जो बाबा जी के मंदिर में आकर अपनी मन्नतें मानी होती हैं वो लोगों बाबा जी के चरणों में रखते हैं, वही बर्तन जो है महंत जी की आज्ञा से वो कमेटी वालों को दे दिए जाते हैं। वो बर्तनों के जो बड़ी बड़ी देगे हैं, कम से कम 80 देगे होंगी, 400 और 700 के बीच बीच गागरे होंगी, साइकिल, फराटे, LED, ये जितने भी जो बर्तन हैं ये कमेटी वाले खरीदते नहीं हैं, जो बाबा जी के दरबार पर कम से कम 100 किलोमीटर का जो एरिया है जो बाबा जी के दरबार पर आते हैं, इस बार जो आए हैं वो अपनी मन्नतें मानेंगे, बाबा जी से आशीर्वाद लेंगे, भी हमारा जो
हमारी जो मन की मुराद है वो पूरी हो। हम गागर देंगे, बाल्टी देंगे, मटोई देंगे, पैसे देंगे, वही जो पैसे होते हैं उसी से दंगल होता है। उस दंगल के जो जितने पैसे होंगे हम पहलवानों को बांट दिए जाएंगे, बर्तन ही बांट देंगे। इसके साथ ये जो हमारा दंगल है आज से शुरू हो जाएगा। बोल बाबा।